देश में हर नागरिक को अपनी आस्था के मुताबिक जीने का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर किसी की जान से खेलने का अधिकार नहीं है। हाथरस में यही खेल हुआ है जिसका नतीजा 100 से ज्यादा लोगों की मौत के रूप में सामने आया। आखिर हाथरस में सबसे बड़ी चूक कहां पर हुई, इसके लिए सिस्टम के कितने किरदार जिम्मेदार हैं, आज इसका हर सच आपके सामने आएगा। एबीपी न्यूज के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन भोले बाबा में आज कई चेहरे बेनकाब होंगे। वो खुद पूरे महकमे की पोल पट्टी खोलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए गुनाह गवाह और सबूतों के साथ ऑपरेशन भोले बाबा। मौत के इस मंजर की पूरी दास्तान पर आज पहली बार सबसे बड़ी गवाही होगी। गवाही होगी एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि कैसे इंसानों की जान की कीमत जानवरों से भी सस्ती थी उस दिन हाथरस में। गवाही होगी ऑपरेशन भोले बाबा, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि लाखों लोगों को किसने मरने के लिए छोड़ दिया था उस दिन हाथरस में। यकीन मानिए, आज पहली बार ऑपरेशन भोले बाबा में एबीपी न्यूज के कैमरे पर दो ऐसे किरदार हम पेश करने वाले हैं जिनका कबूलनामा साबित कर देगा कि 2 जुलाई को सिस्टम कैसे आईसीयू में था। ऑपरेशन भोले बाबा में आज बात गुनाह की होगी, गवाहों की होगी और यकीनन सबूत तो आपके सामने आने ही वाले हैं। संख्या पहले हमें नहीं पता था, संख्या तो हमें कल पता चली है जब तो ये वारदात हुई है। हाथरस कांड को सबसे पहले दिखाने वाले एबीपी न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर्स 100 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऐसे 2 राजदारों को अपने हिडन कैमरे में कैद करने में कामयाब रहे जिनका एक एक लफ्ज आपको झकझोर दे। 2 मिनट का समय मिला होता तो पुलिस झपकती पता। अगले 30 मिनट तक हर मिनट आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप सिस्टम को समझ सकें और ऐसे हादसों से बच कर रहे। तो देखते रहिए ऑपरेशन भोले बाबा एबीपी न्यूज पर। हाथरस में 100 से ज्यादा लोगों की मौत सरकारी फाइल में एक हादसे के रूप में दर्ज है। यह हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच चल रही है, लेकिन इससे जुड़े कुछ किरदारों ने ऐसा खुलासा किया जो कि पांव तले की जमीन खिसकाने वाला है। एबीपी न्यूज के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन ने पुलिस से लेकर स्वास्थ्य महकमे तक की पोल खोल दी। इससे साफ होता है कि अगर प्रशासन अलर्ट होता ना तो यह हादसा ना होता। अगर बाबा की स्पेशल फोर्स के आगे पुलिस ने सरेंडर ना किया होता तो इतने लोग बेमौत नहीं मरते। ये तब की तस्वीर है जब सिकंदरा राव के फुलरई गांव में हादसे के बादल आसमान में मंडरा रहे थे। ये अभी बरसे नहीं थे। किसी को मालूम नहीं था कुछ ही देर बाद सत्संग के लिए जुटी इस भीड़ की जगह लाशें बिखरी हुई। इस तस्वीर में इन सफेद यूनिफॉर्म वाले सुरक्षा कर्मियों पर गौर करें। इसे बाबा भोले के सेवादारों की वो स्पेशल फोर्स बताया जा रहा है जो पुलिस को पंडाल के भीतर घुसने नहीं देती। फुलरई नाम के जिस जगह पर बाबा का सत्संग कार्यक्रम था
वो इलाका हाथरस के सिकंदरा राव पुलिस स्टेशन के तहत आता है। इस थाने के सब इंस्पेक्टर मानवीर सिंह तब ड्यूटी पर वहीं तैनात थे। आप से सर ड्यूटी लगी थी तो आगे थे लेकिन ड्यूटी भीड़ को मैनेज करने की थी, लेकिन पुलिस ने यहां अपनी भूमिका सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल तक सीमित कर ली क्योंकि बाबा के भक्तों की तरफ से पुलिस की पंडाल में नो एंट्री थी। हाँ, ये अपनी व्यवस्था खुद ही संभालते हैं, अंदर की रोड भी हम संभालते हैं, पुलिस प्रशासन भी ज्यादा मदद लेते हैं, पंडाल में तो अंदर जाने नहीं देते ना। सुना बाबा सूरजपाल के इस सत्संग कार्यक्रम के पंडाल के भीतर पुलिस की एंट्री नहीं थी, वो सिर्फ ट्रैफिक संभालने में जुटी थी। पुलिस वाले कहते दिखे ये प्रोटोकॉल है। ये कौन सा आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते ना, ये प्रोटोकॉल हम तो आप भी कह सकते हैं, लेकिन आस्था को ठेस पहुंचाएगा प्रोटोकॉल कई सब आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। इंडिया है, ये आसान होता है, कुछ बहुत सारे हजार से ज्यादा भीड़ आई उसे भी तो नहीं रोक सकते। हम तो अपनी ट्रैफिक को संभालने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुल मिला के किसी की आस्था को हम वही कहते हैं दो रोटी मारे अभी दो लट क्या होगा अभी आपके क्वेश्चन उल्टे होंगे। पुलिस वाले हादसे के बाद भी कह रहे हैं सवाल आस्था का था, हम बाबा के सेवादारों वाली फोर्स पर दबाव नहीं डाल सकते थे। तो हमने देखा कि अब LIU रिपोर्ट होती है हमारे यहाँ भी, देखते हैं लोकल से रिपोर्ट मिलने के बाद भी, तो फिर अपने यहाँ से रिपोर्ट भेज के हमने और फोर्स मंगाया, ऐसा नहीं थाने के फोर्स बाहर से फोर्स आया। अब सवाल है अगर सिकंदरा राव थाने की पुलिस के पास लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी तो कितनी फोर्स मंगाई गई और कितने पुलिस वालों को यहां तैनात किया गया। जवाब खुफिया कैमरे में कैद है। यानी स्थानीय पुलिस को यह आइडिया ही नहीं था कि भीड़ 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी। सवाल फिर लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का क्या मतलब? सवाल ये कि पुलिस कार्यक्रम के बीच की जगह में क्यों नहीं थी? नहीं, और भी सत्संग होते हैं वहाँ तो अंदर भी पुलिस रहती है, व्यवस्था जो है वहाँ तो अलाउ करते हैं। एक नाम और था वो राम रहीम, दूसरा क्या नाम था उसका? आशा राम था, रामपाल था। रामपाल सिंह की क्या था स्थिति, क्या था क्यों किसने किया, वो भी उसकी अलग स्पेशल फोर्स थी ना। यानी पंडाल का भीतरी इंतजाम बाबा भोले की इस स्पेशल फोर्स के भरोसे छोड़ दिया गया, जिसकी नजर भीड़ कंट्रोल से ज्यादा इस बात पर थी कि कोई इन तस्वीरों को कैमरे में कैद ना करे। अरे वीडियो बंद कर ले भाई, अब सवाल है बाबा भोले के सेवादारों के भरोसे 2.5 लाख भक्तों को छोड़ देने का अंजाम क्या है? कब पुलिस वालों के पसीने छूटते हैं? कोई दिक्कत नहीं, बाबा जी का प्रवचन हो गया वो चले भी गए, दिक्कत आई वो चले गए एकदम से भीड़ को भगना, वो नहीं पता था कि इस तरह से भगेंगे। अच्छा उसका 5-2 मिनट का गैप भी मिला होता मान लेते हैं, हम खुद बता रहे हैं कि 2 मिनट का उसका आभास भी हो गया होता, 2 मिनट का समय मिला होता तो पुलिस इससे सुधार भी पुलिस खुद कबूल कर रही है कि उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि बाबा के भक्त चरण धूलि लेने इस तरह गिरते पड़ते हैं। नतीजा सामने, रामकुमार के साथ ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। अस्सी हजार कहकर इस बाबा के चेले 2.5 लाख की भीड़ जुटा ले, पुलिस इसका अनुमान लगाने में चूक गई और हाथरस का स्वास्थ्य महकमा और 2 कदम आगे बढ़ गया। 2.5 लाख लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 एम्बुलेंस की तैनाती की गई थी और मेडिकल स्टाफ के नाम पर एक डॉक्टर समेत कुल 3 लोग यहां पर मुस्तैद थे।
जरा आप सोचिए कि ऐसे हालात में जब ये हादसा हुआ होगा तो एक एक सांस के लिए संघर्ष करते लोग किस कदर बेमौत मरे होंगे। स्वास्थ्य महकमे के इंतजाम की पोल खोलने वाली अब ये रिपोर्ट आप देखिए। ये सोचकर ही रूह सिहर उठती है जब भगदड़ में कुचले गए लोग, जब दम घुटने से जमीन पर गिरे लोग एक एक सांस के लिए छटपटा रहे होंगे, तो वहां इंतजाम के नाम पर सिर्फ दो एम्बुलेंस थी, सिर्फ दो एम्बुलेंस। इसके साथ ही सिर्फ एक डॉक्टर और दो नर्सिंग स्टाफ वहां मौजूद थे। ये हम नहीं कह रहे, एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर यह बात खुद उस हसायन पीएचसी के इंचार्ज ने कही जिसके तहत हादसे की जगह का इलाका आता है। नाम है डॉक्टर अंकुश। तो आप आपके यहाँ पढ़ते हैं? हसायन में पढ़ते हैं। तो जुलाब हसायन में पढ़ता है। तो कितनी रिक्वायरमेंट आप लोग से मांगी गई थी? हमसे मेडिकल टीम और एम्बुलेंस बुलवाई थी, इसके लिए पत्र हमारे पास आया भी था, रिसीविंग भी थी और हमने अपनी मेडिकल टीम भी लगाई थी और एम्बुलेंस भी भेजी थी। कितनी टीम? एम्बुलेंस हमसे एक की डिमांड हुई थी, हमने दो भेजी थी एम्बुलेंस हमसे। और डॉक्टर्स कितने? एक डॉक्टर थे, एक पैरामेडिकल थे, एक वार्ड बॉय थे। ये हमने पहले भेजी थी जो हमसे मांग कर गई थी मेडिकल टीम और एम्बुलेंस के लिए, तो हमने उसके लिए ये भेजी थी। तो एक की जगह हमने दो भेज दी, हालांकि संख्या नहीं थी उसमें, एक भेजने दो भेजनी, हमने अपनी तरफ से दो भेज दी। एबीपी न्यूज ने इस बात की डॉक्टर अंकुश से दोबारा पुष्टि की कि क्या हादसे की जगह पर स्थानीय पीएचसी के अलावा किसी और हेल्थ सेंटर से एम्बुलेंस भेजी गई थी, डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ भेजे गए थे? जो आपकी टीम गई उसने बताया कि खाली हमारी टीम है और भी टीम थी वहां से? एक बार अगर जानकारी मिल जाए। कल में सत्संग में गए थे, हमारी टीम के अलावा कोई और भी मेडिकल टीम थी वहाँ पे, किसी और विभाग की, प्राइवेट, सरकारी या किसी और सी एस सी? अपने सरकारी से कोई नहीं था, कोई नहीं। फिर तो आपको खाली इन्फॉर्मेशन आपको ही थी और कुछ थी? हैरान करने वाली बात यह है कि हसायन के स्थानीय पीएचसी प्रभारी को ये पता ही नहीं था कि बाबा के सत्संग में कितने लोग पहुंचने वाले हैं। संख्या के बल पे नहीं, बस ये बताया था कि सत्संग है, सत्संग में मेडिकल टीम और एम्बुलेंस वहीं पहुंचेंगे। अच्छा। संख्या पहले हमें नहीं पता था, संख्या तो कल पता चली है जब ये वारदात हुई है। संख्या का कोई ज्ञान आपको नहीं था ना प्रशासन की तरफ से? आपको कोई लिखित में आया? तो ये लेटर किसकी तरफ से आता है आप लोग? बस सीओ साहब की तरफ से आया था, और बाकी वो यहाँ पे पहले आया था, फिर वो फॉरवर्ड किया था वैल्यू साहब के पास, उसके तरफ से आया था। सूरजपाल के सत्संग के आयोजकों ने प्रशासन से 80,000 लोगों के कार्यक्रम की इजाजत ली थी और उनके लिए महज इतने ही इंतजाम किए गए, लेकिन पहुंच गए 2.5 लाख लोग और 2.5 लाख के लिए सिर्फ दो एम्बुलेंस ही मौके पर मौजूद थे। भीड़ बढ़ती गई लेकिन प्रशासन सोया रहा, स्वास्थ्य विभाग भी नींद में था, किसी ने मौके पर ज्यादा एम्बुलेंस और डॉक्टर तैनात करने की जरूरत नहीं समझी। हालात को देखते हुए कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए गए, नतीजा मौत की आंधी के रूप में सामने आया। डॉक्टर आर के वर्मा, कितने लोग आपके पास में यहाँ पर आए थे पेशेंट? यहाँ सर जो हमारे पास जो रेफरल आए थे 89 डेड बॉडीज हमारे पास है, डॉट डेड। हाँ, जो रिसीव बस 89। घायल जो थे वो हमारे पास थे 40। जब एक के बाद एक सिकंदरा राव सीएचसी में भगदड़ में मारे गए लोगों की बॉडी पहुंचने लगी, तो यहाँ के ड्यूटी डॉक्टर्स ने स्थानीय एसएचओ को फोन मिलाया। जरा सुनिए पुलिस अधिकारी ने उस डॉक्टर से जो कहा वो कितना खौफनाक। एसएचओ को कॉल किया तो उन्होंने हमें सूचना दी कि अभी और बॉडीज आएंगी आपके पास, मतलब 112 वालों ने, एसएचओ ने थाने से उन्होंने बताया कि अभी और भी बॉडीज आएंगी। यानी पुलिस प्रशासन ने जिंदा लोगों की तादाद गिनकर एहतियाती इंतजाम भले ना किए हों, लेकिन उसने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को जरूर अलर्ट कर दिया कि अभी सीएचसी पर शवों की बाढ़ आने वाली है, इससे खौफनाक और दर्दनाक भला क्या हो सकता है। एबीपी न्यूज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा के जिन सेवादारों ने पुलिस को पंडाल में घुसने नहीं दिया वो ये बात जानते थे कि चरण रज लेने वाला क्लाइमेक्स खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस सड़क पर पहरा लगा दिया था जहां से होकर बाबा गुजरने वाला था। जैसे ही बाबा यहां से गुजरा, भक्तों का रेला उसकी चरण धूली लेने के लिए सड़कों पर झुकने लगा। इसी दौरान भगदड़ हुई और फिर सेवादारों ने डंडे के जोर पर भक्तों को रोक दिया। इसके 2 मिनट के अंदर यहां पर मौत का मातम पसर गया।
रौब कायम करने के लिए इतना तामझाम। फिर सूरजपाल का हाथरस वाला समागम कैसे बना मौत का दूसरा नाम? खुद को भगवान का अवतार नारायण हरि साकार कहने वाले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा और उसके गुर्गों ने जो छिपाया वो सच एबीपी न्यूज खोज लाया। हमारे अंडरकवर कैमरे ने जो कैद किया, इसलिए चरण रज वाले प्रपंच का पूरा सच जानने के लिए एबीपी न्यूज संगीता नाम की उस महिला के पास पहुंचा जिसका पति इस भगदड़ कांड में एक साथ कई किरदार निभा रहा है। वो बाबा का भक्त है, हाथरस वाले समागम के आयोजकों में से एक है, भगदड़ कांड का आरोपी है और अब सलाखों के पीछे भी है। नाम है मुकेश कुमार, जिसकी पत्नी अब बाबा और उसके भगदड़ कांड से जुड़े बड़े राज खोल रही है। कमेटी वालों का नाम है तो उन्होंने तो कुछ किया तो है नहीं, उन्होंने तो अब ये करवाया, अब ये क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा सर। ये तो जनता की गलती है, जनता उनके पीछे भाग रही है, गाड़ियों के पीछे। ये जो बता रहे कि धूल, धूल हाँ गाड़ी की रज धूल ले ले, उनके चरणों की तो नहीं ले पाओगे, गाड़ी की तो ले पाओगे। उसका क्या होगा धूल का पता नहीं, क्या करें सारी जनता, बस माथे से लगाएंगे हम सुबह हो जाएंगे। माथे से लगाने से क्या होगा पता नहीं, जनता पागल है, उनके पीछे भागी, अब जनता के चक्कर में लोग। संगीता बाबा को पाक साफ बता रही, चरण रज के प्रपंच को नकार रही है, लेकिन उसकी बातों से सत्संग वाले मृत्युलोक की कई पोल पट्टी खुल गई। ये बात साफ हो गई कि पुलिस को पंडाल में घुसने से रोककर यहाँ सेवादारों ने सारी कमान संभाल रखी है। यानी बाबा महफूज रहे, इसके लिए पूरी बिसात पहले ही बिछा ली गई थी। सेवादारों को पता था चरण रज के लिए ऐसी दौड़ लगेगी, लेकिन उन्हें सिर्फ बाबा की फिक्र, भक्तों की रत्ती भर चिंता नहीं थी। चरण रज के लिए मारामारी सूरजपाल के हर समागम का क्लाइमेक्स होता था। हर समागम में चरण रज के लिए भोले भाले भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती थी। बाबा के हाथरस वाले शो में भी यही होने वाला था। ये बात आयोजक और उनके घर वालों को अच्छी तरह पता थी, सेवादारों को पता थी। हैरत की बात है कि पुलिस और उसके खुफिया तंत्र को इसकी कोई खबर नहीं थी। सवाल है कि अध्यात्म के नाम पर पलते अंधविश्वास को लेकर पुलिस और उसकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट आखिर कर क्या रही है?